अगर आप भी लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा लखनऊ की 10 फेमस जगह जहां आप बहुत ही सस्ते में बहुत ही कम बजट में घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह ससोदिया, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट की सबसे पहली जगह जो कि है बड़ा इमामबाड़ा। बड़े इमामबाड़े में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा ग्रेट पर्शियन हॉल जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल है विदाउट सपोर्ट। यहाँ पर आपको दिखेगी यहाँ के बादशाह और उनकी बेगम की समाधि जो कि 14 फीट नीचे तहखाने में मौजूद है, और साथ ही बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है बावली कुआं जो कि बड़े इमामबाड़े की मुख्य इमारत के पास स्थित है। ये पुराने टाइम का सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था। यह इमारत बाहर से तो कुछ खास नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर किया इसने हमारा सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए जहाँ पे आप लोगों ने टिकट चेक कराए हैं वहाँ से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको 2.5 फीट की दीवार यानी कि छत और पेड़ दिखेगा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर चढ़ के आओगे बिल्डिंग हो जाएगा डाउन, सामने का बिल्डिंग तो नजर आता है मगर इसके पीछे एक पार्ट और है, ना पीछे का पार्ट नजर आएगा ना कोई आदमी नजर आएगा। ये जो नीचे गेट के अंदर आप पानी देख रहे हो ये सीसीटीवी कैमरा है, जो भी यहाँ से एंट्री कर रहा है वो तस्वीर पानी में जा रही है। अच्छा। उधर का आदमी आपको पानी में देख रहा है कि आपकी एंट्री हो चुकी है। अच्छा। देखिए ये रहा उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, पानी में तस्वीर है वो रही सामने नीचे है। हाँ। जो भी एंट्री कर रहा है मैडम इधर ये सेंटर से देखिए, सेंटर ये है, बैठे देखो बेटा नीचे बैठो 2 मिनट। देखिए जो भी एंट्री करेगा वो तस्वीर पानी में आएगी, मगर जो एंट्री करेगा उसे खुद नहीं मालूम कि वो देख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको पानी में जो नवाब आसिफुद्दौला के जो तीरंदाज थे वो यहाँ से बैठ के निशाने लगाते थे वहाँ पे यहाँ से बैठ के जब निशाना लगाएंगे तो पानी में तो लगा नहीं देंगे। डाउन होके देखे तो सीढ़ियाँ दिखती है, सामने सीढ़ियाँ है, पानी में तस्वीर देखते थे और सीढ़ियों पे निशाना लगता था, बस उनको पता भी नहीं चलता कि तीर आया तो कहाँ से। बोली कुआं के बाद जो तीसरी जगह आपको देखनी चाहिए वो है यहाँ की सुप्रसिद्ध भूल भुलैया जो कि बड़े इमामबाड़े की मुख्य इमारत के ऊपर बनी हुई है। इसको देखने के बाद आप एक्साइटमेंट से पूरी तरह भर जाएंगे। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे धीरे बोलिए, आहिस्ता बोलिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी की गिबन मत करिए, दीवारों के भी कान होते हैं। 40 फुट की दूरी से दीवार के माध्यम से सांस के द्वारा आपसे बात करेंगे, आपसे मेरी आवाज पूछेगी, आप लोग दीवार में कान लगा रहे हैं, 3 आदमी इसमें 3 आदमी इसमें। मैं अंदर सरों में जाऊंगा, जब वहां से नाम पुकारूंगा तो उस नाम को सुन के मेरे पास आइएगा। जी 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 चलिए। नाम बताइए अपना। सम्मान। ध्यान से सुनिए, ठीक है, नाम सुन के अंदर आइए। यानी कि इस दीवार के आर पार आवाजें आ सकती है तो वो अभी यहाँ पर जो हॉरर साउंड होते हैं ना वो सारे के सारे आ रहे हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज में करते हैं ना वो। सम्मान। अरे हाँ मैं सुन लिया मैंने। सुरभि नाटक आता था बहुत पहले धारावाहिक सीरियल। हाँ। उनका साड़े और सिद्धार्थ का दूरदर्शन पे। हाँ। उस नाटक में जो सुरंग दिखाई है वो सुरंग ये है शुरुआत में। अच्छा, सुरभि नाटक के अंदर। सुरभि नाटक में दिखाई है। यहाँ पर पूरे के पूरे इस भूल भुलैया में जो भूत की आवाजें होती है ना वैसी सुनाई दे रही थी। सुनिए, भूल भुलैया काफी एक्साइटिंग थी। अगर आप पहली बार इसमें एंटर कर रहे हैं तो आप बेशक भूल जाएंगे कि कौन से रास्ते से आपको जाना है, कौन से आपको बाहर निकलना है, आप उसके अंदर घूमते घूमते ही रह जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक गाइड जरूर कर लीजिएगा। चौथी जगह जो कि आपको लखनऊ में देखनी चाहिए वो है यहाँ का रूमी दरवाजा। ये जो मेरे सामने आप इमारत देख पा रहे होंगे ये है रूमी दरवाजा जो कि अवध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरवाजे की बनावट तुर्की के सुल्तान के दरबार के प्रवेश द्वार से काफी मिलती है, इसलिए लोग रूमी दरवाजे को तुर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं। बड़े इमामबाड़े के पास मौजूद इस दरवाजे की कुल ऊंचाई 62 फीट है जिसके ऊपरी भाग में छतरी नुमा आकृतियां बनी हुई है। रूमी दरवाजे के बाद जो पांचवी जगह आपको लखनऊ में देखनी चाहिए वो है यहाँ की पिक्चर गैलरी। अब मेरे सामने जो आप इमारत देख पा रहे होंगे ये है हसन बाग पिक्चर गैलरी जो कि लखनऊ की एक बहुत ही पुरानी पिक्चर गैलरी है। इसका फाउंडेशन किया था नवाब मोहम्मद अली शाह ने जो कि अवध के तीसरे बादशाह थे। पिक्चर गैलरी के ऊपर से एक बहुत सुंदर नजारा नजर आता है जिसमें आपको क्लॉक टावर के साथ एक बहुत सुंदर सा कुंड नजर आता है।
पिक्चर गैलरी के बाद जो छठी जगह आपको लखनऊ में देखनी चाहिए वो है यहाँ का छोटा इमामबाड़ा, जहाँ पर दो छोटे ताजमहल भी आपको नजर आएंगे और साथ ही यहाँ नजर आएगा आपको शाही हमाम। छोटे इमामबाड़े में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं, जैसे कि बादशाह का ताज, विदेश से लाए गए कई सारे पुराने झूमर, कई सारी पुरानी पेंटिंग्स और बहुत सारी आर्किटेक्चर जो कि आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। हमाम से निकलने के बाद जो बाहर का नज़ारा हमें नज़र आता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जो कि वेल मेंटेन्ड है और बहुत सारे पौधे हैं इसमें आपको नज़र आएंगे अलग अलग वैरायटी के। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, जैसे कि आपने अलादीन की मूवीज़ में देखा होगा, एक अलग ही व्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन जाता है। हमारी टॉप 10 लिस्ट में जो सातवीं जगह रखता है वो है अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जहां पर कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग हुई है। अंबेडकर पार्क उन पार्क्स में से है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अंबेडकर जी की बहुत सारी स्टैचूज, बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स और भी बहुत कुछ। हमारी टॉप 10 लिस्ट में जो नंबर 8 पर आता है वो है लखनऊ का सुप्रसिद्ध चिड़ियाघर, जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ ऐसे जंगली जानवर जो कि आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे, जैसे कि जिराफ, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वाइट टाइगर, कई तरह के जंगली सांप, और यहाँ पर मिलेगी आपको टॉय ट्रेन जो कि आपको पूरे के पूरे जू का राउंड कराएगी। हमारे लिस्ट के 9वें नंबर पे आती है ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो कि एक देखने लायक जगह है, क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों पर यानी कि ब्रिटिशर्स पे आक्रमण किया गया था। यहाँ पर आज भी आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि गोली बारूद के निशान दीवारों पर अमिट छाप छोड़े हुए हैं। इसके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें पुरानी चीजें रखी हुई हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे काम आया करती थी। ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर ही एक कब्रिस्तान है जहां पर जो ब्रिटिशर्स उस दौरान मारे गए थे उनकी समाधियां बनी हुई हैं। हमारी टॉप 10 लिस्ट के नंबर 10 पे आता है गोमती रिवर फ्रंट। ये गोमती नदी है और इसके किनारे एक पार्क बनाया हुआ है, पार्क जैसी जगह जहाँ पर आदमी टहल सकता है। ये देखिए रोड भी आपको नजर आ रहा होगा वहाँ पे, और ये पार्क टाइप का ये सीन बनाया गया है ताकि यहाँ पर शाम के टाइम पे या फिर जब भी आपको वॉक करने आना हो वो वॉक कर सकें। और यहाँ पर क्या है, हवा बहुत ठंडी चलती है क्योंकि पानी है जैसे कि कूलर का काम करती है, हवा उधर से आएगी, पानी यहाँ पे है तो ठंडी हवा हो जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगता है। पूरे शहर में सबसे ठंडी जगह अगर बोलें, एक सुहानी जगह, तो ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो नदी का वातावरण है वो बहुत अच्छा लगता है। जब आप लखनऊ घूमने आते हैं ना तो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता है यहाँ का वो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं और सारे पार्क इतने ज़्यादा खास होते हैं, इतने ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होते हैं, हर चीज़ आपको हर पार्क में कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। जैसे कि अंबेडकर पार्क में बहुत से, जैसे आपने हाथी के स्ट्रक्चर्स देखे, अभी आगे जाके हम और भी जो अंदर मैंने महल जैसे बताया वो देखने वाले हैं, और ये जो स्मारक वगैरह इन पे मतलब बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करके जो बनाए जाते हैं ना वो पार्क हैं जो देखने लायक होते हैं एक्चुअल में। तो अगर लखनऊ आते तो बहुत सारे पार्क हैं, इतने सारे कि हम एक्चुअल में अगर घूमना चाहें ना तो नहीं घूम पाएंगे, इतने बड़े बड़े पार्क होते हैं, एक पार्क को घूमने में एक दिन का टाइम लग जाता है। तो ये तो थी लखनऊ की टॉप 10 प्लेसेस जो कि आपको मस्ट विजिट करनी चाहिए, लेकिन इन 10 जगहों के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि जनेश्वर मिश्रा पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क, चिकनकारी कारखाना, सतकंडा इको गार्डन, 1090 जो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ जो कि यहां के स्पेशल हैं वो मिल जाएंगे, और यहाँ का चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि एक देखने लायक जगह है। अब आप सोचेंगे कि क्या रेलवे स्टेशन भी कोई देखने वाली जगह होती है? जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन सच में देखने लायक है क्योंकि इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो बहुत ही बेमिसाल हैं। तो ये थी लखनऊ की टॉप 10 प्लेसेस जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सभी जगहों को डिटेल में देखना तो मैंने सभी के एपिसोडिक कंटेंट्स डिटेल में बनाए हुए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको लिंक मिल जाएंगे जहां जाकर आप इन सभी जगहों को डिटेल में देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा।
अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।